रेलवे ने दैनिक यात्रियों के लिए ट्रेन का सफर सस्ता कर दिया है। कम अब मिनिमम टिकट 30 रुपये की जगह 10 रुपये लगेगा। जय हिंद दोस्तों, टोटल ट्रेन इन्फो के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बताते हैं क्या है पूरी खबर। दैनिक सफ़र करने वाले लाखों यात्रियों को रेलवे बोर्ड की तरफ से एक बड़ी राहत दे दी गई है। रेल गाड़ी के न्यूनतम किराए को फिर से 10 रुपये कर दिया गया है। पिछले 3-4 साल से रेलवे का न्यूनतम किराया 30 रुपये रखा गया था। इसके चलते डेली पैसेंजर को 3 गुना राशि चुकानी पड़ती थी। बोर्ड के इस निर्णय से दिल्ली NCR और मुंबई लोकल के लिए यात्रियों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। देश में ट्रेन को परिवहन का रास्ता साधन माना जाता है। यही वजह है कि रोज़ाना लाखों यात्री पैसेंजर गाड़ियों में सफ़र करते हैं। 2020 में कोरोना के आने से पूर्व लोकल किराया मिनिमम 10 रुपये था, लेकिन कोरोना में जब ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया और दोबारा जब शुरू किया गया तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कम से कम किराया 30 रुपये किया गया था। इसके अलावा रेलवे की तरफ से कहा गया था कि ये सभी ट्रेनें पैसेंजर न होकर एक स्पेशल ट्रेन के रूप में और एक्सप्रेस मान्यता के रूप में चल रही थी, इसलिए किराया कम से कम 30 रुपये किया गया था। रेलवे बोर्ड की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों को न्यूनतम किराया 10 रुपये लिया जाएगा। लोकल टिकट बुक करने वाले सॉफ्टवेयर सहित UTS ऐप में भी इसे अपडेट कर दिया गया है। कोरोना के बाद रेलवे द्वारा जिन गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा था उन्हें मेल, एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेन कैटेगरी में रखा गया था। ऐसी गाड़ियों का न्यूनतम किराया 30 रुपये होता है। इस दौरान जनरल कैटेगरी गाड़ियों का परिचालन बंद था, लेकिन अब उनको चलाया जा रहा है। इसके लिए न्यूनतम किराया दोबारा से 10 रुपये कर दिया गया है। इस निर्णय से दिल्ली NCR के अलावा मुंबई लोकल ट्रेन, चेन्नई के लोकल पैसेंजर और कोलकाता के लोकल पैसेंजर को बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।